सबको ये समझ आ गया कि पोस्ट ऑफिस की छोटी बचत योजनाएं महंगाई को मात नहीं दे सकती हैं। म्यूचुअल फंड के रास्ते शेयर बाजार का रुख करना ही पड़ेगा, लेकिन 44 कंपनियों की हजार से ज्यादा स्कीमों में किसे चुने? ये सवाल सिर्फ रोहन का नहीं बल्कि हर उस निवेशक का है जो म्यूचुअल फंड के रास्ते शेयर बाजार में पैसा लगाना चाहता है, क्योंकि अच्छे फंड का चुनाव उसके निवेश पर मिलने वाले रिटर्न को और बेहतर बना सकता है। तो चलिए समझते हैं कैसे चुने सिप कराने के लिए अच्छा फंड। एक्सपर्ट्स की माने तो सिप शुरू करने से पहले अपना लक्ष्य तय करें कि इस रकम से आपको कौन सा वित्तीय लक्ष्य हासिल करना है और इसके लिए पैसों की कब जरूरत पड़ेगी। इसके बाद एसेट मैनेजमेंट कंपनी यानी AMC का साइज पता करें कि वो कितनी रकम का प्रबंधन कर रही है। जो जितना बड़ा फंड मैनेज कर रही है उतना अच्छा। इसके बाद फंड की श्रेणी के बारे में पता करें। श्रेणी मतलब आपको ये तय करना होगा कि लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप, पैसा कहाँ लगाना है। कंपनियों के मार्केट कैप के लिहाज से मिड कैप लार्ज कैप तय होता है। इसके इतर अगर आप थोड़ा थोड़ा निवेश सभी कैटेगरी में करना चाहते हैं तो इसका भी विकल्प मिल सकता है। फंड के चयन के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि पूरा पैसा किसी छोटे कॉर्पस वाली कंपनी में ना लगाएं, इससे आपके निवेश पर जोखिम बढ़ सकता है। बानगी के तौर पर अगर आपको 10,000 रुपए महीने में निवेश करने हैं तो इसे दो जगह बांटें। इसमें से 5,000 रुपए छोटे कॉर्पस और 5,000 रुपए बड़े कॉर्पस वाली कंपनी में अपनी जोखिम सहने की क्षमता के हिसाब से निवेश करें। निवेश में विविधता के जरिए जोखिम को काफी हद तक कम कर सकते हैं। बेहतर रहेगा कि कुछ योजनाओं का बारीकी के साथ विश्लेषण करें और जरूरत के अनुसार स्कीम चुनें। आपका लक्ष्य छोटी अवधि का है तो स्मॉल और मिड कैप जैसी अग्रेसिव स्कीम में निवेश करने से बचें। वित्तीय सलाहकार जितेंद्र सोलंकी का कहना है कि सिप में निवेश के लिए पिछले रिकॉर्ड को मानदंड ना बनाएं। जरूरी नहीं कि किसी स्कीम ने पिछले वर्षों में आकर्षक रिटर्न दिया है तो वो आगे भी बरकरार रहेगा। मनी9 की सलाह है कि सिप में निवेश के लिए किसी नई स्कीम में पैसा लगाने से बचें। कोई कंपनी नई स्कीम लेकर आती है तो उसके ट्रैक रिकॉर्ड के बारे में कुछ पता नहीं चलता। पुरानी स्कीम में आप एक क्लिक के जरिए पूरा ब्यौरा हासिल कर सकते हैं। और चलते चलते सिप में निवेश के लिए फंड का ट्रैक रिकॉर्ड जानना चाहते हैं तो इसके लिए मिलिए फॉर्मूला गुरु से।